हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम रेस्टोरेंट। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है और यही होता है कि आज कहीं बाहर चलेंगे तो पाव भाजी जरूर खाएंगे। तो क्यों ना आज घर पे बना के खाया जाए, वो भी पूरा प्योर होम मेड। तो कोशिश पूरी करेंगे कि जो हम बाहर खाते हैं स्ट्रीट साइड फूड पाव भाजी, वो घर पे प्रॉपर वैसे ही बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं फिर पाव भाजी बनाने के लिए। पाव भाजी बनाने के लिए तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं जो हमारे पास सब्जियां जितनी होती है, इसमें कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। तो इसको पहले हमें बॉयल करना है, तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया हुआ है, कुकर में ही बॉयल करेंगे, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो जैसे ये दो कटे आलू ऐसे रफली इसको काट देना है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के नहीं कटिंग चॉपिंग करनी है। तो इसको पहले कुकर में डाल देते हैं। दो कच्चे आलू हैं ये, तीन गाजर मैंने लिया हुआ है, गाजर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, कलर भी थोड़ा सा आ जाएगा और एक तरह से फ़ायदा भी होगा। तो ये गाजर जो है ऐसे मैंने छील के और इसको भी ऐसे रफली चॉप कर दिया है, तो इसको भी इसी में साथ में डाल देंगे। इसके बाद एक कटोरी मैंने मटर लिया हुआ है, ये फ्रेश मटर है, तो इसको मैंने धुल के रखा हुआ है, ये भी इसमें डाल देंगे। और कुछ फूल गोभी हैं ऐसे, इसको मैंने साफ़ करके पानी में ही इसको छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा इसका स्मेल जो होता है वो निकल जाए। तो इसको सब्जियों को हम साथ में बॉयल करेंगे, तो गोभी भी इसके साथ में ही डाल देते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, तो पानी इतना डालेंगे ताकि हमें 2 से 3 सीटी लगाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं लगाना है। तो इसके हिसाब से हमारा जो है सब्जियाँ जितनी है उतनी डिप होनी चाहिए, बस उतना ही पानी डालना है। तो बस ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लेते हैं। जब तक कि सब्जियाँ बॉयल हो रही हैं, मैंने चढ़ाया हुआ है, तब तक क्या करते हैं मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं प्रॉपर यहाँ पे पाव भाजी का मसाला तैयार करूँगी, इसका मैं पूरा लिख दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डालना है। पाव भाजी मसाले के पैकेट भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी बनाऊँ तो उसका मसाला मैं होममेड तैयार करूँ। जैसे कि मैंने सारे मसाले बना के डाले हुए हैं रेसिपी चैनल पर। तो पाव भाजी मसाले बनाने के लिए धनिया लेंगे, धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे जैसे कि और मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये करीब 4 से 5 चम्मच साबुत धनिया है, और उसके आधा हम जीरा ले लेंगे। अगर 4-5 चम्मच धनिया है तो कम से कम 2.5-3 चम्मच ही जीरा रहेगा, साबुत जीरा। और इसके बाद में लेंगे कि थोड़ा सा जैसे ये करीब 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, ऐसे ही 8-10 ये कुछ लौंग है, और 2 बड़ी इलायची है, और 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया हुआ है, और 2 से 3 तेज पत्ते हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च साबुत है, ये तीखा नहीं करेगा, कलर बहुत अच्छा ले आएगा पाव भाजी का। तो ये ले लेंगे ऐसे, मैंने करीब 4-5 लिया हुआ है, ये तो थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो तीखा होगा नहीं, कलर ही आएगा। और ये 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। तो ये जो साबुत मसाले हैं इसको हमें रोस्ट करना है बढ़िया सा, तो इसके लिए एक पैन लेंगे, पैन को पहले थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, फिर इसमें जैसे भीनी भीनी खुशबू आने लगती है ना, उतना हमें इसको सौते कर लेना है, एक साथ ही सारा फिर डाल देंगे पैन में। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैंने मीडियम गैस पे ही इसको चढ़ाया हुआ है भुनने के लिए, अभी इसको डाला ही है, तो हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। इसको चला के कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, फिर इसको ठंडा करके इसको बारीक सा पाउडर बना देंगे। पाव भाजी मसाला तैयार हो जाएगा, और ये मसाला बना के आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि घर में मसाले तो ऐसे 3 से 4 महीने भी चल जाते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही बना के रखें ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है मसालों में। तो इसको बना के हम कभी भी कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये हो गया है, गैस को यहाँ पे बंद करते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करके पाउडर बना लेते हैं। पाव भाजी मसाला जो है बन के तैयार हो गया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं, मतलब सूखा प्लेट हो, क्योंकि जो बचेगा उसको हम रख देंगे कहीं भी डब्बे में। इसको पहले प्लेट में निकाल देते हैं, और मसाले में ही हम मिला देंगे 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है। इसमें हल्दी की मात्रा होती है, कोई भी पाव भाजी मसाला आप देखेंगे मार्केट का तो वो थोड़ा सा पीला पीला होता है, तो इसीलिए हल्दी पैकेट का था तो मैंने इसमें डाला नहीं था। अब इसको मिक्स करके अब ये मसाले को हम कहीं रख देते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि जो सब्जियां बॉयल करने के लिए चढ़ाया था वो हुआ कि नहीं।
सब्जियों को एक बार देख लेते हैं। मैंने 4 सीटी लगाया है पूरा और गैस बंद कर दिया है, स्टीम कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे तो गल गया होगा। तो किसी भी चाकू से ऐसे गाजर भी टुकड़े हो जा रहे हैं, आलू गोभी तो वैसे भी सॉफ्ट हो ही जाते हैं। अब बस इसको किसी हम ऐसे जाली वाले बर्तन में निकाल लेते हैं कि थोड़ा सा पानी इसका जो है ना छन के निकल जाए। सब्जियां जो है मैंने निकाल दिया है बाहर, अब नीचे थोड़ा सा प्लेट लगा दिया है ताकि पानी जो है निकल जाएगा। तो ये कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब भाजी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने भाजी के लिए कढ़ाई चढ़ाया हुआ है, कढ़ाई लिया हुआ है। तो इसमें पहले डालेंगे बटर, तो 2 चम्मच बटर ले रहे हैं। और इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी, ताकि बटर जो है हमारा जले ना। गैस को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। हल्का सा ऐसे चटकने देंगे कुछ सेकंड के लिए। फिर इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया हुआ है 2 प्याज है, इसको बहुत बारीक बारीक करना है। इसकी जो तैयारी होती है पाव भाजी की, वही मेन होती है। बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगते नहीं है, तैयारी में थोड़ी सी टाइम लगती है। और 2 टमाटर मैंने लिया हुआ है बारीक बारीक काट के, और शिमला मिर्ची 1 है। तो पहले हम डालेंगे प्याज को। और भाजी में आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जो आपके घर में बच्चों को नहीं पसंद है ना वो भी आप इसमें मिला के खिला सकते हैं। शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको चला देते हैं। और इसके साथ ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसको ढक देते हैं, ऐसे इसको ढक देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। इसके ऊपर चला देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसको हल्का सा उसको भून लिया है। अब ये जैसे 7 से 8 लहसुन है बारीक, मैंने इसको करके रखा हुआ है। चाहे तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। तो 7-8 खली लहसुन है और 3 हरी मिर्ची मैंने लिया हुआ है बारीक करके, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी बारीक बारीक ऐसे चॉप कर दिया है। तो सब एक साथ डाल देंगे, इससे फ्लेवर जो है भाजी का बहुत ही बढ़िया सा आएगा। अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, इसके साथ ही थोड़ा ये पक जाएगा। टमाटर डालते ही हमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको पकाना है। वैसे चुटकी से नमक डाल देंगे और इसको चला के ढक के करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम गैस पे इसको पका लेते हैं। जब तक कि मसाले पक रहे हैं जो प्याज टमाटर है, तब तक सब्जियां थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, तो इसको हम मैश कर लेते हैं। तो कोई भी पोटैटो मैशर लेंगे और उसी से हल्का हल्का प्रेस करके, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, नहीं तो फिर भाजी में पता ही नहीं चलेगा कि हमने डाला क्या क्या है। थोड़ा बीच में फ्लेवर आना चाहिए गोभी का, मटर का, आलू का, जो जो भी हमने डाला हुआ है। तो इसको चम्मच से चला के और फिर इसको हल्का हल्का रफली इसको मैश कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गया है मीडियम गैस पे ही इसको मैंने पका दिया है बिल्कुल। तो ये ऐसे करने पे सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसी में डाल देंगे जो मैंने ये सब्जियां जो बॉईल करी हुई थी, और इसको मैश कर दिया है। तो ऐसे मैश में दिख रहा है पूरा, ये जैसे कि क्लियर है कि आलू है, गाजर है, सब कुछ है। तो इतना ही हमें करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला देते हैं। तो दबा के ही चलाएंगे ताकि पूरे अच्छे से जो सब्जियों में मिक्स हो जाएगा। अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाला है। अब इसमें साथ में ही डाल देंगे जो पाव भाजी मसाला जो बना के रखा हुआ है, यही मसाला इस्तेमाल करेंगे और कोई मसाले नहीं डालेंगे इसके अलावा। तो अभी 2 चम्मच ये पूरा ऐसे डाल दे रहे हैं, और बाद में लगेगा तो थोड़ा सा और लास्ट में हम डाल देंगे। अभी 2 चम्मच इसको डाल दे रहे हैं और यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक ले ले रहे हैं। नमक मैंने बस टमाटर को गलने तक ही डाला था, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इसको चला के मीडियम गैस पे हमें इसको भून लेना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए ढक के।
5 से 7 मिनट हो गया है, मीडियम गैस पे ही इसको मैंने चला के बीच में भुना था। इसको एक बार और चला देते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक है, इतना थिक भी नहीं होना चाहिए। तो पानी पहले थोड़ा डालेंगे और इसको हल्का सा जो पोटैटो मैशर था उसी से प्रेस करके चलाएंगे, ताकि पानी जो है पूरे अच्छे से सब में मिक्स भी हो जाएगा और पता भी चलेगा कि हमें कितना पतला रखना है। और गैस को है मीडियम ही रखेंगे। पानी इसमें और ले लेंगे तो करीब 2 कप पानी इसमें जाएगा, तो 2 कप पानी पूरा ही डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेस करके चला देते हैं। भाजी जो है लगभग बन ही गया है, बस कुछ मिनट के लिए इसको और पकाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, 2 चम्मच मसाला डालने के बाद से इसमें 1 चम्मच मसाला और जाएगा, थोड़ा इसका फ्लेवर जो है वो और अच्छा आ जाएगा। 1 चम्मच मसाला डाल देंगे और इसमें धनिया की पत्ती कटी हुई को ढेर सारा डालें। भाजी जो है बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है और देखने में तो खैर लाजवाब लग ही रहा है। अब गैस को यहाँ बंद करते हैं और पाव सेक लेते हैं। पाव को कट कर लेंगे बीच से। पाव को सेक लेते हैं तो बटर लेंगे। पैन को पहले गर्म करके फिर करीब 2 से 3 चम्मच बटर डालेंगे। पाव भाजी है तो बिना बटर के तो मज़ा नहीं आएगा। और इसी पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो मैंने पाव भाजी मसाला बनाया हुआ है हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। ये मुंबई में जो पाव भाजी मिलता है ये ऐसे ही सेक के देते हैं वो लोग वहाँ से, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि वैसे ही लुक लाया जाए। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, बस ये तवा जो है बटर से रेडी है। और जो मैंने पाव जो कट करके रखा हुआ है इसको इस तरह से बिछा देंगे। गैस जो है पूरा अभी स्लो ही रखना है, नहीं तो फिर जल जाएगा पाव। एक साइड से सेक के फिर इसको पलट देते हैं। जो तवे पे जो लगा हुआ है उसको ही इसी पूरे अच्छे से लपेट देते हैं, ताकि बटर जो है वेस्ट ना हो और पाव पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पाव को जो है उसको प्लेट में सर्व कर देते हैं। पाव आ गया है प्लेट में, अब इसमें भाजी भी सर्व कर देते हैं। अब भाजी सर्व कर लेते हैं। भाजी के ऊपर गया बटर, बस बटर ने अपना काम कर दिया मेल्ट होके। पाव भाजी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये रेसिपी ज़रूर आप अपने घर पर ट्राई करिए और हमें बताइए कमेंट्स करके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।